सभी को बहुत बहुत राम राम और जय हिंद। हम लोग इस समय एसएससी सीजल को थोड़ा मद्देनज़र रख रहे हैं और एसएससी सीजल में हम लोगों ने पहले एसटी डिस्कस किए, उसमें आपका अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। इसी में आज हम मॉक टेस्ट सेकेंड मॉक टेस्ट चल रहे हैं, इसमें मॉक टेस्ट सेकेंड आज हम लोग डिस्कस करेंगे और इस मॉक टेस्ट सेकेंड के साथ साथ हम लोग कुछ वोकैब भी डिस्कस करेंगे फोविया से रिलेटेड, कुछ फोविया भी डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट सेकेंड में। तो एसएससी सीजल और 10+2 जिनका भी पेपर लगा है, जिन बच्चों का भी पेपर लगा है, वो इस एसटी को प्लस इस सीट को, फोविया की सीट को आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ी है, उसको देख लीजिएगा। और जिसने भी सब्सक्राइब ना किया हो, इनरोलमेंट ना किया हो, रजिस्ट्रेशन ना किया हो, वो अपना जाए, हमने पिछले वीडियो में बता दिया कैसे लिंक करना है, आप वहाँ जाएंगे, सब्सक्रिप्शन पर लिंक दिया होगा जो है www.eicarunkushwar.com ऐसे करके होगा, वहाँ पर अपना उस पर क्लिक करिएगा और फिर आपको जो है पूरा उसमें डिटेल अपने आप मांगता जाएगा, ज़्यादा तुम्हें हेडक नहीं लेनी है। तो जैसे ही तुम टिक करते जाओगे तो वहाँ पर आ जाएगा, तो रजिस्ट्रेशन आप लोग जरूर करा लीजिएगा। उससे क्या होगा, आपको टेस्ट एक क्विज देने का मौका मिलेगा, वहाँ पर टेस्ट दे लीजिएगा, तुरंत आपका रिजल्ट आपके सामने हो जाएगा। तो आज हम लोग इस स्पीड टेस्ट सेकेंड डिस्कस करते हैं। सेकेंड स्पीड टेस्ट में पहला क्वेश्चन है, इट सीम्ड एज इफ एवरी मैन इन द कंट्री वाज बैग देम। अब देखो ये क्वेश्चन कहीं पर भी आपको मिल जाए, एज इफ या एज दो ये क्वेश्चंस होते हैं, धारणा इमेजिनरी वर्ड शो करते हैं, इनके बाद संभवतः इमेजिनरी वर्ड की वर आती है, एज इफ या एज दो। और ये पास्ट सब्जंक्टिव मूड का पार्ट है, पास्ट सब्जंक्टिव मूड, नाम सुना होगा आप लोगों ने, अगर ना नाम सुना हो तो आप ध्यान रखना कि पास्ट सब्जेक्टिव मूड का एक वीडियो पढ़ा है, बहुत ही अच्छा, लगभग एक घंटे का वीडियो है, उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा, तो आपके सारे इफ की कंडीशन, जो भी कंडीशनल क्वेश्चन हमने बताए हैं वो सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर एज इफ द एवरी मैन वाज नहीं होगा, वर हो जाएगा, एवरी मैन वर। ही पुट द वर्ड्स सॉफ्टली वन बाई वन इंटीरियर देयर वार्म लिटिल होम। अब घर के अंदर की बात, इंटीरियर पार्ट होता है, किसी भी आंतरिक भाग को बोलते हैं, किसी भी चीज़ के इंटीरियर पार्ट ऑफ लाइफ, लेकिन घर के अंदर के पार्ट को बोलते हैं इनसाइड। तो इंटीरियर हटाओ, इनसाइड लगाओ, इंटीरियर हटाओ, इनसाइड करो। तो ये दो एरर थी आपकी। थर्ड क्वेश्चन देखो, फिलर है, वी फियर द एनिमीज अटैक बिकॉज दे एवरीथिंग इन देयर पाथ। तो देखो पहला इसमें क्वेश्चन दिया सेटिएट, सेटिएट का मतलब होता संतुष्ट करना। दूसरा इसमें ऑप्शन दिया है क्वेंच, बड़ा अच्छा स्तर, मतलब आप लोगों ने सीडीएस का पेपर दिया होगा, हम सीडीएस का पेपर कल या परसों डिस्कस करेंगे, हम धारणा वो लगभग 1 से 1.5 घंटे की क्लास होगी, तो उसमें वर्ड आया था क्वेंच का, एक टर्म आया था क्वेंच फॉर आता है, थर्स फॉर आता है, क्वेंच फॉर या थर्स फॉर, क्वेंच या थर्स होता है, क्वेंच द थर्स होता है प्यास बुझाना, स्लैक आएगा इसी का सिनोनिम्स, स्लैक, क्वेंच थर्स, प्यास बुझाने लिए वर्ण आते हैं और इनके साथ प्रेपोजिशन संभवतः फॉर आता है। तो क्वेंच होता है प्याज बुझाना, रिमेडी जानते उपचार होता है, रिमेडी उपचार होता है, और इसका फोर्थ आंसर इनसिनरेट, यही इसका आंसर है, और इनसिनरेट का मतलब होता है किसी चीज़ को जलाकर ख़त्म कर देना, स्पेशली वेस्टेज मटेरियल होते हैं, इनसिनरेट होता है वेस्टेज मटेरियल जलाकर ख़त्म कर देना, इनसिनरेट वो वेस्ट मटेरियल जो जलाकर ख़त्म कर दी जाए, इनसिनरेट कहलाएगा। सेकेंड फोर क्वेश्चन देखो, द लिखा है प्रेसिडेंट्स कोटरी, आपको जो वर्ड मिलेगा कोटरी मिलेगा, पॉज मिलेगा, कोटरी पॉज मिलेगा, इन दोनों का मतलब होता है ग्रुप, समूह होता है, इन दोनों का मतलब होता है ग्रुप होता है समूह। तो यहाँ पर कह रहा है कि द प्रेसिडेंट कोटरी ऑफ द एडवाइजर्स वाज अनेबल टू ऑफर हिम अ सल्यूशन, हो जाएगा सॉल्वेंट, कोई चीज़ घुलनशील होती है, सल्यूट जानते हो तुम लोग, मिलाना होता है, और मिक्सचर जानते हो तुम लोग। इसके बाद सिनोनियम्स के क्वेश्चन दिए हैं, सिनोनियम्स पहला क्वेश्चन दिया है रिडंडेंसी, वैसे ध्यान रखना इस बार जो सीडीएस में क्वेश्चन आया है रिडंडेंसी
उसमें 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके प्योर बेसिक ग्रामर के क्वेश्चंस हैं, जिसमें पूछा कि एडजेक्टिव क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, नाउन क्या होता है, प्रीपोजिशन क्या होता है। तो धारणा इस प्रकार की अगर कहीं पर मिल जाए एएनसी भाई, ये संभवतः नाउन होते हैं, रिडंडेंसी। इसका एक एडजेक्टिव होगा रिडंडेंट, रिडंडेंट, अवंडेंट, अवंडेंट, प्लेंटीफुल, प्लेंटीफुल, बाउंटीफुल, बाउंटीफुल। इन सभी का मतलब होता है पर्याप्त, रिडंडेंट, अबंडेंट, प्लेंटीफुल, बाउंटीफुल, इन सभी का मतलब होता है मोर देन इनफ, आवश्यकता से अधिक। तो रिडंडेंसी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, रिडंडेंट, एक्सेस, एक्सेसिव, प्लिथोरा, इन सभी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में। अपोजिट इसका अच्छा सिनोनिम पूछा है तो एक्सेस हो जाएगा, अब्सेंस जानते हो, डर्थ और पॉसिटी, डर्थ और पॉसिटी दोनों का मतलब होता है कमी होना, डर्थ और पॉसिटी। इनिबिटर का मतलब होता है रोक लगाने वाला, 5 क्वेश्चन दिया है, इनिबिटर, इनिबिटर होता है रोक लगाने वाला, एक ऐसा सब्सटेंस जो किसी को आगे बढ़ने से रोक देता, प्रोग्रेस करने से रोकता है। इनिबिट, प्रोविट, इनिबिट मिलेगा, प्रॉविट मिलेगा, प्रॉविट मिलेगा, प्रिवेंट मिलेगा, इन सभी का मतलब होता है रोक देना। तो यहाँ पर इसका वैसे डायरेक्ट इसका तो सिनोनिम कोई नहीं दिया है, लेकिन अगर आप चाहो तो लगा सकते हो अवॉइड, थर्ड आंसर लगा सकते हो अगर आप चाहो। इसमें डायरेक्ट सिनोनिम तो नहीं दिया है, लेकिन अवॉइडेंस इसका सिनोनिम हो सकता है। एडवोकेट जान तो सपोर्ट करना होता है, सब्सिडी जान तो देना होता, छूट देना होता, कंपेंसेशन होता, भरपाई करना। बाइफर्केट दिया है, धारणा बाई वर्ड कहीं पर भी मिलेगा, इसका मतलब होता दो, फर्केट होता है काटना, फर्केट होता है काटना, तो बाइफर्केट होता है दो भागों में बांट देना, डिवाइड इंटू टू पार्ट्स, बाइफर्केट होता है दो भागों में बांटना, डिवाइड इंटू टू पार्ट्स, बाइफर्केट, डिवाइड इंटू टू पार्ट्स। एंटोनियम्स पूछा है तो इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा कम्बाइन, जोड़ना। रेमीफाई और फर्केट, इसका भी मतलब बांटना होता है, आपको जो वर्ड मिलेगा रेमीफाई और फर्केट, इसका भी मतलब होता है बांटना होता है, काट डिवाइड कर देना होता है, रेमीफाई और फर्केट। डाइवर्ज का मतलब होता है अलग कर देना, डाइवर्जेंस होते हैं रास्तों में, अलग कर देना, केंद्र से दूर कर देना, केंद्र से दूर कर देना, डाइवर्जेंस, केंद्र से दूर करना। अब देखो फिर आपको एक टर्म मिलेगा डिसेंशन, डिसेंशन, वैसे ये नाउन है, डिसेंशन, डिसेंशन होता है डिसएग्रीमेंट, असहमति, डिसएग्रीमेंट, असहमति, डिसेंशन होता है डिसएग्रीमेंट, असहमति होता है। तो अपोजिट इसका हारमोनी होएगा, फोर्थ आंसर। बिकर स्ट्राइप और कंट्रोवर्सी, विरोध होता है, ये इसके सिनोनिम्स होंगे, बिकर स्ट्राइप और कंट्रोवर्सी, विरोध। धारणा आपको ये जरूर देख लिया करो कि ऑप्शन में सिनोनिम्स कितने दिए हैं और एंटोनियम्स कितने दिए। 9 और 10 तो ईडियम दिए, गो गेट अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड, बेड की रॉन्ग साइड में उठ जाना। आपने देखा रात में लेटे थे छत पर गर्मी में चारपाई डाल के, आप क्या काम किए, जिधर उठना चाहिए था उधर नहीं उठे, साइड में बिल्कुल लेटे थे, आपने पैर दूसरी तरफ रख दिए, उधर तो दूसरे घर था और जगह खाली थी, धड़ाम नीचे गिर जाए उनके आंगन में, वो चिल्लाने लगे मेरे आंगन में तुम्हारा क्या काम है, उसको बोलते हैं गेट अप द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड। तो 9 का सेकेंड आंसर होगा बहुत गलत शुरुआत होना। लर्न बाई हर्ड कर टू मेमोराइज समथिंग, याद करना, लर्न बाई हर्ड होता मेमोराइज, फर्स्ट आंसर हो जाएगा याद करना। सी स्टार्ट, स्टार्ट है, गिव अप है, अवॉइड है, इनके बाद वर्ब में आईएनजी आता है, धारणा सी स्टार्ट्स वॉकिंग विदाउट रिस्पॉन्डिंग। फिर देखो फिर लिखा है ही मस्ट हैव बीन ओवरवेम्ड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी, मस्ट हैव बीन हो जाएगा 12 का थर्ड, मस्ट हैव, मस्ट के साथ जो है हमेशा मॉडल वर्ब के साथ हमेशा हैव आता, हैज नहीं आता, तो फर्स्ट सेकेंड आंसर हो गए। द क्वालिटी ऑफ बींग पर्टिकुलरली नोटिसेबल, साइलियंस होता है, साइलियंस नाउन है, साइलियंट फीचर्स होते हैं, साइलियंट फीचर्स मुख्य फीचर्स हैं जिनको आप समझ सकें देख सकें, साइलियंट फीचर्स होते हैं जिनमें आप समझ सकें देख, फर्स्ट आंसर होगा। फ्रिवोलस और ट्रिवियल, सेकेंड और थर्ड आंसर तुच्छ होते हैं, इमटेरियल जिससे कोई यूज ना हो। ऑफ अ डिजीज आर पॉइजन एक्सट्रीमली सीवर आर हार्मफुल इन इट्स इफेक्ट्स, विरुलेंट डिजीज होता है, विरुलेंट,
विरुलेंट होता बहुत ही भयावह, पॉइजनस, सिनोनिम्स आएगा, पॉइजनस, हार्मफुल, स्पिटफुल, बहुत ही भयावह, हॉस्टाइल से भरा हुआ, दुश्मनी से भरा हुआ, सब बहुत सारे इसके मीनिंग होते हैं। तो सेकेंड आंसर होगा इनोकुअस होता है हार्मलेस, जिससे कोई नुकसान ना पहुंचे। इनोकुअस होता है हार्मलेस, जिससे कोई नुकसान ना पहुंचे आपको, इनोकुअस कहलाएगा। और नेब का मतलब सीधा साधा भोला भाला, और इनऑफेंसिव का भी मतलब होता है जो नुकसान ना करे, इनऑफेंसिव भी होता है जो नुकसान ना करे। तो 15 में पूछा है करेक्टली सेलेक्ट द करेक्टली स्पेलिंग पूछा है, तो 15 का थर्ड आंसर एनालॉजीज हो जाएगा, समरूपता, एनालॉजीज, समरूपता, एक समानता होती है, एनालॉजीज थर्ड आंसर। 16 का सेकेंड अनरफल्ड होता है, बहुत ही शांत व्यक्ति, काम एंड कूल, अनरफल्ड, फ्लैगमेटिक सिनोनिम्स आएगा इसका। 17 देखो पीक्यूआरएस पूछा है, बड़ा सरल है, इट वॉज देयर 0 o'clock, 3 o'clock इन द आफ्टरनून, आप कह रहा है बिफोर वी वोक, तो 17 का फर्स्ट आंसर 22 से शुरुआत होगी। नाउ द फर्स्ट एंड मोस्ट सिंपल अपीरेंस, तो 18 का सेकेंड 22 से शुरुआत होगी। अब देखो पूछा है एक्टिव पैसिव, माई डॉटर रीड द एंटायर नॉवल इन वन डे, तो 19 हो जाएगा, 19 का थर्ड आंसर द एंटायर नॉवल वॉज रेड बाई माइड, थर्ड आंसर। द कोच सेड टू द चाइल्ड डोंट मेक द वाटर मडी, द कोच कमांडेड द चाइल्ड नॉट टू, द कोच कमांडेड इसमें सभी में दिए हैं, तो इसका थर्ड आंसर लगा दो बेटा। फिर दिया है पैसेज, पैसेज में दिया है द इंस्ट्रक्टर्स रूल्स वर सिंपल, ब्रीद थ्रू योर माउथ, ओकरा इंस्ट्रक्टर नियम जो थे बड़े साधारण थे, ब्रीद थ्रू योर माउथ पढ़िएगा, नॉट योर नोज, ओकरा इंस्ट्रक्टर के नियम नियम थे। यहाँ पर एक पैसेज दिया है, बड़ा अच्छा पैसेज है पढ़ना, और पैसेज जब भी आप पढ़ना ध्यान रखना, तो एक बार क्वेश्चन जरूर पढ़ लेना। देखो हम 21 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, द राइटर्स डिस्क्राइबिंग हर एक्सपीरियंस ऑफ हिज एक्टिविटी, फिर कह रहा है हाउ टू अवॉइड द मास्क फॉगिंग अप, 23 का व्हाट इज नेमो, 21 राइटर्स सा ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट व्हेन वुड देयर बी अ रिस्क ऑन द ट्यूब फॉलिंग ऑफ, 25, तो अब देखो पढ़ो, वगैरह इंस्ट्रक्टर के नियम थे बहुत ही साधारण थे, सिंपल थे, ब्रीथ वगैरह सांस लो, थ्रू योर माउथ नॉट योर नोज, एल द मास्क विल फॉग अप, कहीं ऐसा ना हो मास्क आपको फॉग कर दे, इजियर सेड देन डन, आई गॉट इट रॉन्ग मैनी अ टाइम, बट वंस यू फॉट हैविट एंड गोट द हैंग ऑफ इट, द पैनोरामिक, पैनोरामिक होता बहुत ही आकर्षक, अट्रैक्टिव, द पैनोरामिक अंडर वाटर वर्ल्ड रिवील्ड इट सेल्फ टू यू विद द हाई डेफिनेशन क्लैरिटी, लेड बाई हिम आई स्लोली पीर्ड थ्रू, एक वर्ड यहाँ पर पीर दिया है, धारणा आपको पीर मिलेगा, पीर थ्रू या पीक थ्रू, पीर थ्रू या पीक थ्रू, झांकना देखना होता, पीर थ्रू या पीक थ्रू, पीप मिलेगा, पीप थ्रू भी होता है, झांकना देखना होता, चुपके से झांकने, तो वो कह रहा है पीर थ्रो द मास्क इनटू व्हाट टिल देन वाज क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर एकदम साफ होता वाटर, सिमरिंग चमकता हुआ इन द सनलाइट, सूर्य के प्रकाश में, आई सा पेबल, पेबल होता है बजरी, जो छोटी छोटी कण होते हैं मिट्टी के, पेबल, सैंड माई फ्लूड शैडो, आई वॉज इन नीमोज यूनिवर्स, अंडरलाइन करो उसे, सी कुकुम्बर्स एंड सी एनिमन, कराया यहाँ पर क्लाउन फिश, स्टार फिश, सी हॉर्सेस, पैरट फिश, बटरफ्लाई फिश एंड वेवी ऑफ कलरफुल साल्ट वाटर फिश, वेवी का मतलब ग्रुप होता है, अ सोल ऑफ कैनरी एलो फिश डिड अ मेरी डांस, मेरी मतलब बहुत अच्छा डांस, एंड अनदर इन द वाइब्रेंट ब्लू फिश फॉलोड, एंड देवर ऑब्लिवियस टू द स्नॉर्कलर्स हु स्ट्रगल्ड टू टेक द स्लाइट ऑफ द वर्ल्ड सो ब्यूटिफुल so colorful and resist opening their mouth wide in amazement the tube would fall the writer describing the her experience of which activity तो snorkeling की बात कर रहा है first answer snorkeling first answer हो जाएगा how to avoid the mask fogging by breathing through the mouth 22 का second answer होगा what is Nemo a name of an underwater animal the writer saw all of the following except vibrant green fish fourth answer हो जाएगा When would there be a risk on the tube falling up? So when the mouth was opened. Fourth answer. When the mouth was opened. फिर 25 का फोर्थ आंसर। तो ये आपके जो है
क्वेश्चन थे एसटी के, जो 25 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर दिए हैं। अब इन 25 क्वेश्चंस को बढ़िया से अपना समझिएगा, एसटी अपना डाउनलोड कर लीजिएगा। हमने आपको बताया था कि हम आज के एसटी में इसी में कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फोबिया के, तो उसको भी समझ लो। फोबिया के क्वेश्चंस अपना ध्यान रखना। आपको जो वर्ड मिलेगा फोबिया, फोबिया का मतलब डर होता है, ध्यान रखना। फीलिया का मतलब लव होता है, प्यार होता है। और मैनिया का मतलब पागलपन होता है, मैनिया का मतलब होता है पागलपन। फोबिया का मतलब डर होता है, फीलिया का मतलब प्यार होता है, और मैनिया का मतलब होता है पागलपन, पागलपन। अब देखो, अगर हमने एक वर्ड लिखा एवल्यूशन, एक वर्ड लिखा एवल्यूशन, एवल्यूशन का मतलब होता है बाथिंग, बाथ, नहाना धोना, स्नान करना। मॉर्निंग एवल्यूशन आता रहता है, सुबह का नहाना, मॉर्निंग एवल्यूशन। सुबह के नित्यक्रम होते हैं, मॉर्निंग एवोल्यूशन कहलाते हैं। लास्ट एवोल्यूशन, फाइनल एवोल्यूशन, फाइनल एवोल्यूशन, अंतिम स्नान आता है, फाइनल एवोल्यूशन होता है, अंतिम स्नान। जो अंतिम स्नान किया जाता है वो फाइनल एवोल्यूशन का केस कहलाता है, फाइनल एवोल्यूशन, अंतिम स्नान। तो एवोल्यूशन का मतलब होता है नहाना और धोना। अगर हम इसी फोबिया को, आप ध्यान रखना, ये फोबिया जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसी फोबिया को हम थोड़ा डिस्कस करें, और हमने एक वर्ड लिख दिया एवल्यूटो और फोबिया। तो एवल्यूटो फोबिया होता है नहाने से डर, फियर ऑफ बाथिंग, नहाने से डर। एवल्यूटो फोबिया होता है नहाने से डर। अब देखो, फिर आपको एक वर्ड मिलेगा एकाउस्टिको, एकाउस्टिको, एकाउस्टिको फोबिया। एकाउस्टिको का मतलब होता है आवाज, एकाउस्ट, तो एकाउस्टिको होता फियर ऑफ नॉइज, आवाज से डर। एकाउस्टिको फोबिया होता फियर ऑफ नॉइज, आवाज से डर। फिर आपको एक मतलब मिलेगा ऑडियो, ऑडियो का मतलब भी आवाज होता है, ऑडियोफिलिया। सेकेंड क्वेश्चन दिया, थर्ड क्वेश्चन दिया ऑडियोफिलिया। ऑडियोफिलिया का मतलब होता है लव फॉर, लव फॉर लाउड नॉइज, बहुत जोर जोर आवाज़ों से जिसे प्यार होता है, तेज तेज। पता लगा जो आप मैथ पढ़ रहे हो, साथ में गाना भी बजा रहे हो, आज ब्लू है पानी पानी, या भोजपुरी सॉन्ग लगाए, तक तक खड़े होकर मार नाच रहे हो, ऑडियोफिलिया कहलाता, लव फॉर नॉइज। फिर आपको एक वर्ड मिलेगा एक्लियोफोबिया, एक्लियोफोबिया। एक्लियोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ डार्कनेस, अंधेरे से डर। फियर ऑफ डार्कनेस, अंधेरे से डर, एक्लियोफोबिया। फिर आपको एक टर्म मिलेगा एक्रोफोबिया, एक्रोफोबिया होता है फियर ऑफ हाइट, फियर ऑफ हाइट, ऊंचाई से डर। एक्रोफोबिया होता है फियर ऑफ हाइट, ऊंचाई से डर, एक्रोफोबिया होता है फियर ऑफ हाइट। फिर एक वर्ड आपको मिलेगा एरोफोबिया, एरोफोबिया। अब एरो मतलब हवा होता, तो फियर ऑफ एयर, विंड, हवा या हवाई उड़ान से डरना। एरोफोबिया होता फियर ऑफ एयर, विंड, हवा या हवाई उड़ान से डरना, हवा या हवाई उड़ान से डरना, एरोफोबिया। फियर ऑफ हाइट, विंड, हवा या हवाई उड़ान से डरना। तो धारणा इन फोबियाज को अपना बहुत अच्छे से समझना कि फोबियाज क्या होते हैं, कैसे होते हैं। फिर एक वर्ड मिलेगा आपको एगोरा फोबिया, एगोरा फोबिया। एगोरा फोबिया होता फियर ऑफ ओपन प्लेसेस, खुले स्थानों से डरना। एगोरा फोबिया होता फियर ऑफ ओपन प्लेसेस, खुले स्थानों से डरना, एगोरा फोबिया। नेक्स्ट टर्म आपको मिलेगा एंड्रोफोबिया, एंड्रो का मतलब होता है आदमी होता है, एंड्रोफोबिया का मतलब हो जाएगा एंड्रोफोबिया, फियर ऑफ मैन, आदमियों से डरना, जानवरों के लिए आता है एंड्रोफोबिया। फिर आपको एक वर्ड मिलेगा गायनिकोफोबिया। आपको पता है गायनिको जो टर्म होता है महिलाओं के लिए आता है, तो गायनिकोफोबिया फियर ऑफ वीमेन, महिलाओं से डर। वैसे होता नहीं लोगों को महिलाओं से डर,
लेकिन बहुत से लोग होते हैं महिलाओं से डरते रहते हैं, और महिलाएं भी अपने देश में कम नहीं हैं, पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलती हैं। अगर पुरुष एक प्रकार की गाली दे सकता है तो महिलाएं नाना प्रकार की गाली दे सकती हैं, ताबड़तोड़ गाली, कभी कभी इतनी खतरनाक गाली देती हैं तुम्हें अगर गरिया रहे हैं तो तुम टेंशन में जाते हो, बोलो हम ऐसे भी हैं, इतनी ख़राब हैं क्या? तो उसे गायनकोफोबिया बोलते हैं, महिलाओं से डर। फिर आपको एक वर्ड मिलेगा एंथोफोबिया। एंथो, एंथो का मतलब फ्लावर्स होता है, तो एंथोफोबिया होता है फियर ऑफ फ्लावर्स, फूलों से डर। एंथोफोबिया होता है फियर ऑफ फ्लावर्स, फूलों से डर, एंथोफोबिया फ्लावर्स। फिर आपको एक वर्ड मिलेगा अरिथमोफोबिया। अरिथमोफोबिया फियर ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स मैथ से डर। अरिथमोफोबिया होता फियर ऑफ मैथमेटिक्स, बहुत से लोग ध्यान करो मैथ से डरते रहते हैं, बोला मैथ में पता टीचर ने दे दिया कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलो, खुल ही नहीं रहा है, पड़ोसी के पास ले गए बोला ये खोल दो यार कैसे खुलेगा, उसे अरिथमोफोबिया। फिर आपको एक वर्ड मिलेगा एंग्लोफोबिया। एंग्लो, एंग्लो अंग्रेज होते हैं, एंग्लोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ द इंग्लिश, फियर ऑफ द इंग्लिश आर इंग्लिश थिंग्स, इंग्लिश थिंग्स, द इंग्लिश आर इंग्लिश थिंग्स। एंग्लोफोबिया होता है फियर ऑफ द इंग्लिश आर इंग्लिश थिंग्स, अंग्रेज लोग या अंग्रेजी चीज़ों से डर, अंग्रेज लोग या अंग्रेजी चीज़ों से डर। एंग्लोफोबिया होता है फियर ऑफ द इंग्लिश आर इंग्लिश थिंग्स, अंग्रेज लोग या अंग्रेजी चीज़ों से डर होना। एंग्लोफोबिया फियर ऑफ द इंग्लिश आर इंग्लिश थिंग्स। फिर देखो, फिर आपको 13 नंबर पे एक वर्ड मिलेगा जेनोफोबिया। जेनोफोबिया, जेनो मतलब स्ट्रेंजर्स होते हैं, तो जेनोफोबिया फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स होते हैं, अजनबियों से डर, जो नए लोग हैं स्ट्रेंजर्स, नए नए लोगों से डरना, अजनबी व्यक्ति जो है उनसे डरना, जेनोफोबिया फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स। फिर आपको एक वर्ड मिलेगा अरैक्नोफोबिया। अरैक्नोफोबिया, अरैक्नोफोबिया द फियर ऑफ स्पाइडर्स, मकड़ी से डर, फियर ऑफ स्पाइड, मकड़ी लिखना बेटा ककड़ी नहीं, मकड़ी से डर, फियर ऑफ स्पाइडर्स, मकड़ी से डर, अरैक्नोफोबिया। नेक्स्ट आपको टर्म मिलेगा बिब्लियोमेनिया। बाइबल का मतलब किताब होता है, बिब्लियोमेनिया या बिब्लियोफोबिया किताबों से डर, बिब्लियोफोबिया फियर ऑफ बुक्स, किताबों से डर, जिसे किताबों से बड़ा डर लगता रहता है बिब्लियोफोबिया। फिर एक वर्ड मिलेगा कैकोफोबिया। कैकोफोबिया, कैको मतलब बहुत ख़राब होता है, तो कैकोफोबिया फियर ऑफ अगलीनेस, कुरूपता से डर, ऐसा ना कुरूप हो जाए, फियर ऑफ अगलीनेस, अगलीनेस कुरूपता से डर। नेक्स्ट टर्म आपको मिलेगा कार्सिनोफोबिया। कार्सिनोफोबिया, कार्सिनोफोबिया होता है फियर ऑफ कैंसर, कैंसर या कैंसर प्रोडक्ट करने वाली चीज़ों से डर, कार्सिनोफोबिया फियर ऑफ कैंसर। फिर एक बार मिलेगा आपको क्रोमोफोबिया। क्रोमो, क्रोमो का कलर होता है, क्रोमोफोबिया होता है फियर ऑफ कलर, रंग से डर, बहुत से लोग कलर से डरते रहते हैं, रंग से डरते रहते हैं, या लाल कोई पर्टिकुलर लाल रंग से डरते रहते हैं, पतला लाल रंग के बढ़िया कपड़े पहने तुम बारात में गए अच्छे से, तुम रसगुल्ला ढूंढ रहे, साण देवता तुम्हें ढूंढ रहे, उसे बोलते हैं क्रोमोफोबिया, कलर से डर, रंग से डर होना, कलर से डरना, तो ये हमारे क्रोमोफोबिया कहलाएंगे, क्रोमोफोबिया। फिर आपको एक वर्ड मिलेगा क्लास्ट्रोफोबिया। क्लास्ट्रोफोबिया, क्लास्ट्रो का मतलब होता है बंद जगह, क्लोज्ड स्पेसेस, क्लोज्ड प्लेसेस, बंद जगह या सक्रिय जगह से डरना, बहुत ही क्लोज जो जगह होती है ना, बंद जगहें होती हैं, सक्रिय जो गलियां होती हैं, जैसे यहाँ शहर में तो नहीं, गांव में हम लोगों ने देखा गली क्या होती हैं, गलियां होती हैं, गलियां में नहीं कुलियां होती हैं, एक जगह आदमी सिर्फ एक निकल सकता है वहाँ से, पता तुम जा रहे थे उधर से भैंस दौड़ती हुई आ रही, अब तुम बाग में रगड़ गए वहाँ पर, उसे क्लास्ट्रोफोबिया बोलते हैं, बंद या जगह से डरना, क्लास्ट्रोफोबिया। फिर आपको एक डर मिलेगा डेमोफोबिया। डेमोफोबिया, डेमो मतलब पीपल होते हैं, लोग,
तो फियर ऑफ पीपल, लोगों से डरना, फियर ऑफ पीपल, लोगों से डरना। फिर एक वर्ड मिलेगा डिप्सोमैनिया, डिप्सोमैनिया होता मैनिया फॉर ड्रिंकिंग, पीने का पागलपन, मैनिया फॉर ड्रिंकिंग, पीने का पागलपन। बहुत से लोग शराबी होते हैं, वो शराबी है शराबी, तो जबरदस्त, जब तक माधुरी सुभाष जो है अंदर नहीं चली जाएगी तब तक बोला आजकल पैर जमीन पर पड़ते ही नहीं। तो डिप्सोमैनिया कहलाता है पीने का पागलपन, डिप्सोमैनिया। फिर आपको एक वर्ड मिलेगा एंक्लोफोबिया, एंक्लोफोबिया, एंक्लोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ क्राउड, भीड़ से डर, फियर ऑफ क्राउड, एंक्लोफोबिया होता है फियर ऑफ क्राउड, भीड़ से डर। नेक्स्ट टर्म मिलेगा आपको गैमेटोफोबिया, गैमो का मतलब शादी होता है, तो गैमेटोफोबिया होता है फियर ऑफ मैरिज, गैमेटोफोबिया होता है फियर ऑफ मैरिज, फियर ऑफ मैरिज, शादी से डरना। हालांकि डर होता नहीं किसी को, लेकिन बहुत से लोग होते हैं कि आपने देखा पड़ोस में रामलाल की शादी होके आई, तब से उनका जीवन तहस नहस हो गया, बेचारे डेली शाम को एक कुकर बैठ जाता है उनके मुंह में, हॉकिंस का मिला था दहेज में वही फेंक के मारा जाता है। तो गैमेटोफोबिया, गैमेटोफोबिया का मतलब होता है शादी से डर, गैमेटोफोबिया का मतलब होता है शादी से डर, गैमेटोफोबिया, मैं फोबिया फॉर मैरिज होता है शादी ना करने से डर, बोला शादी नहीं करेंगे, गैमेटोफोबिया, गैमेटोफोबिया कहलाएगा शादी से डर। अच्छा फिर एक वर्ड मिलेगा गैमोमैनिया, गैमोमैनिया, मैनिया फॉर मैरिज, मैनिया फॉर मैरिज, शादी के लिए पागलपन, मैनिया फॉर मैरिज, जिसको शादी का पागलपन होता है डेली एक शादी करके लाता है, उसने पूरा देश बसा दिया, गैमोमैनिया, शादी के लिए पागलपन। फिर आपको एक वर्ड मिलेगा हेमेटोफोबिया, हेमेटोफोबिया, हेमेटोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ ब्लड, खून से डरना, फियर ऑफ ब्लड, खून से डरना, हेमेटोफोबिया, फियर ऑफ ब्लड। फिर एक वर्ड मिलेगा आपको हेलमिंथोफोबिया, हेलमिंथोफोबिया, हेलमिंथोफोबिया होता है फियर ऑफ इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़ों से डरना, काकरों से डरना, हेलमिंथो का मतलब होता है कीड़े मकोड़े, तो हेलमिंथोफोबिया होता है कीड़े मकोड़ों से डरना। बहुत से लोगों की मूवी होता है, हीरोइन को ध्यान करो, उसे काकरोच से डर होता है, हीरो हीरोइन दोनों एक ही रूम में बैठे, जैसे काकरोच आए हीरो मजा आ गया, बोला बहुत बढ़िया और एक बार काकरोच आ जाए, हेलमिंथोफोबिया, कीड़े मकोड़ों से डरना। फिर एक वर्ड मिलेगा आपको हिप्पोफोबिया, हिप्पोफोबिया, हिप्पो मतलब घोड़ा होता है, तो फियर ऑफ हॉर्स होते हैं, घोड़े से डर, फियर ऑफ हॉर्स, घोड़े से डर, हिप्पोफोबिया। नेक्स्ट टर्म आपको मिलेगा हाइड्रोफोबिया, हाइड्रो मतलब वाटर होता है, तो हाइड्रोफोबिया होता है फियर ऑफ वाटर, पानी से डर, हाइड्रोफोबिया होता है फियर ऑफ वाटर, पानी से डर। बहुत लोगों को होता है फियर ऑफ वाटर, नहाएंगे नहीं पूरी सारी दिवाली अभी तक नहाया नहीं, होली नहाएंगे डायरेक्ट, हाइड्रोफोबिया, पानी से डर। फिर एक बार मिलेगा आपको काइनेसोफोबिया, काइनेसोफोबिया, काइनेटिक का मतलब होता है स्पीड होता है, तो इसका मतलब हो जाएगा स्पीड से डर। बहुत से लोग जो फुल स्पीड से डरते हैं, जैसे आप घर पे पहुंच गए, आपको भैया की पल्सर खड़ी थी मिल गई धोखे में चलाने के लिए, आपने उसे स्टार्ट किया, पीछे कलुआ खड़ा था चल तो बैठा लिया उसको सीधा, अब उसकी फुल स्पीड जो जितनी 200 300 की स्पीड में जा रहे हो, कलुआ परेशान बेचारा, बोला अब मरे अब मरे अब मरे। तो ये सब काइनेसोफोबिया कहलाता, फियर ऑफ स्पीड, काइनेसोफोबिया, फियर ऑफ स्पीड, काइनेसोफोबिया। क्लेप्टोमैनिया एक वर्ड दिया है, क्लेप्टोमैनिया, क्लेप्टोमैनिया, क्लेप्टोमैनिया का मतलब होता है चोरी का पागलपन, मैनिया फॉर स्टीलिंग थिंग्स, स्टीलिंग, चोरी का पागलपन, क्लेप्टोमैनिया का मतलब होता है चोरी का पागलपन, क्लेप्टोमैनिया, चोरी का पागलपन। बहुत से लोगों को मैनिया फॉर स्टीलिंग थिंग्स होता है, चोरी का पागलपन होता है। पता लगा जो है, तुम लोग ध्यान रखो, जब क्लास थर्ड फोर्थ में पढ़ते थे तो इंटरवल होता था,
अब इंटरवल जैसे ही हुआ तो सभी तो बाहर हो गए, तुम्हारे जैसे चार छह जानवर अंदर ही रहे। सभी के बैग ढूंढ लिए, किसी के पेन निकाल लिया, ज्योमेट्री बॉक्स निकाल लिया, सब पेन ढूंढा। 5 रुपए का पेन है मार्केट में, 2 रुपए में सेल किया जा रहा है। क्लेप्टोमैनिया, चुरा लिया है तूने मेरे दिल को। तो क्लेप्टोमैनिया कहलाता चोरी का पागलपन। क्लेप्टोमैनिया का मतलब होता है चोरी का पागलपन, क्लेप्टोमैनिया। फिर एक वर्ड मिलेगा आपको लैलोमैनिया। लैलोमैनिया, लैलोमैनिया अपना ध्यान रखना, लैला से, लैला से बात करने का पागलपन। मैनिया फॉर टॉकिंग, लैलोमैनिया होता मैनिया फॉर टॉकिंग, लैलोमैनिया होता मैनिया फॉर टॉकिंग, बात करने का पागलपन, जो ताबड़तोड़ बात करता है, लैलोमैनिया। इसके बाद एक वर्ड मिलेगा आपको लोगोफोबिया। लोगोफोबिया, लोगोफोबिया होता फियर ऑफ स्टडी, अध्ययन से डरना, पढ़ाई से डरना। लोगोफोबिया होता फियर ऑफ स्टडी, अध्ययन से डरना, पढ़ाई से डरना। लोगोफोबिया होता फियर ऑफ स्टडी, अध्ययन या पढ़ाई से डरना, लोगोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड दिया आपको यहाँ पर मैक्रोमैनिया। मैक्रो का मतलब ह्यूज थिंग्स, मैनिया पागल, तो मैक्रोमैनिया तो मैनिया फॉर ह्यूज थिंग्स, बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए पागलपन होना। मैनिया फॉर ह्यूज थिंग्स, बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए पागलपन होना, मैक्रोमैनिया। फिर इसी का एक वर्ड और मिलेगा आपको मेगालोमैनिया। मेगा भी बड़ा होता है, लेकिन मेगालोमैनिया होता है अ पर्सन हुज मैनिया फॉर मनी एंड पावर। पैसा और पावर के लिए, जिसके लिए जो पागलपन होता है उसे मेगालोमैनिया बोलते हैं। पैसा शक्ति का पागलपन, शक्ति और पैसा का पागलपन, मेगालोमैनिया। फिर इसी में नेक्स्ट वर्ड दिया है मेट्रोफोबिया। मेट्रोफोबिया, मेट्रोफोबिया होता है फियर ऑफ बीइंग मदर, माँ बनने से डरना। फियर ऑफ बीइंग मदर, माँ बनने से डरना, मेट्रोफोबिया। फिर इसी में आपको एक वर्ड मिलेगा माइक्रोफोबिया। माइक्रोफोबिया, माइक्रोफोबिया होता है फियर ऑफ स्मॉल थिंग्स, छोटी छोटी चीज़ों से डरना। माइक्रोफोबिया होता है फियर ऑफ स्मॉल थिंग्स, छोटी छोटी चीज़ों से डरना। माइक्रोफोबिया, फियर ऑफ स्मॉल थिंग्स, छोटी छोटी चीज़ों से डरना। माइक्रोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ स्मॉल थिंग्स, छोटी छोटी चीज़ों से डरना। माइक्रोफोबिया होता है फियर ऑफ स्मॉल थिंग्स, छोटी छोटी चीज़ों से डरना। माइक्रोफोबिया, छोटी छोटी चीज़ों से डरना। फिर एक वर्ड मिलेगा आपको मोनोफोबिया। मोनो का मतलब अकेला होता, तो फियर ऑफ लोनलीनेस, अकेलेपन से डरना। बहुत से लोग अकेलेपन से डरते रहते हैं, अकेला तन्हा जिया ना जाए दिल, तो ये हो जाएगा मोनोफोबिया, अकेलेपन से डरना, मोनोफोबिया। फिर एक वर्ड मिलेगा आपको नियोफोबिया। नियोफोबिया, नियोफोबिया होता है न्यू चेंजेस, न्यू चेंजेस, न्यू थिंग्स, नई नई चीज़ों से, नए बदलावों से डरना। नियोफोबिया, नए चेंजेस, नए बदलावों से डरना। फिर आपको एक वर्ड मिलेगा नॉक्टिफोबिया। नॉक्टिफोबिया, नॉक्टिफोबिया फियर ऑफ नाइट, रात से डरना, अंधेरी रात में, दिया पड़ोसी के हाथ में। नॉक्टिफोबिया, पता रात में लेटे हो, बाहर से बिल्ली बोली मैं आऊँ, बोला नहीं सुबह आना, उसे बोलते हैं नॉक्टिफोबिया, रात से डरना। फिर एक वर्ड मिलेगा आपको ऑफिडियोफोबिया। ऑफिडियोफोबिया, ऑफिडियोफोबिया फियर ऑफ स्नैक, फियर ऑफ स्नैक्स, सांप से डरना। फियर ऑफ स्नैक्स, सांपों से डरना, ऑफिडियोफोबिया। फिर एक बार मिलेगा आपको पैथोफोबिया। पैथोफोबिया फियर ऑफ डिजीज, बीमारी से डरना। पैथोफोबिया होता फियर ऑफ डिजीज, बीमारी से डरना। फिर एक वर्ड मिलेगा आपको पेडोफोबिया। पेडोफोबिया, पेड़ों मतलब बच्चे, बच्चे होते हैं, फियर ऑफ चाइल्ड, चिल्ड्रेन,
बच्चों से डरना, फियर ऑफ चिल्ड्रेन, बच्चों से डरना, पेडोफोबिया होता है फियर ऑफ चिल्ड्रेन, बच्चों से डरना, पेडोफोबिया होता है फियर ऑफ चिल्ड्रेन, बच्चों से डरना, फियर ऑफ चिल्ड्रेन, बच्चों से डरना, पेडोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड मिलेगा आपको पेनियोफोबिया। पेनियोफोबिया का मतलब फियर ऑफ पावर्टी, गरीबी से डरना। पेनियोफोबिया होता है फियर ऑफ पावर्टी, गरीबी से डरना, गरीब चीज़ों से डरना, पैसे से डरना। फार्माकोफोबिया, फार्माकोफोबिया, फार्मेसी जानते हो तुम लोग, दवा होता है। फार्माकोफोबिया होता है फियर ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन से डरना, फियर ऑफ मेडिसिन, दवा से डरना, फियर ऑफ मेडिसिन, दवा से डरना। फिर एक क्वेश्चन देखो, सीजल में आता है फोटोफिलिया। फोटो को मतलब लाइट होता है, फिलिया लव होता है। फोटोफिलिया होता है लव फॉर लाइट, लव फॉर लाइट, प्रकाश से डरना, सूर्य के प्रकाश से डरना। पतला सूर्य का प्रकाश कहीं जा रहा, तुम्हें प्यार हो गया उससे, तो फोटोफिलिया, फोटोफिलिया होता है सूर्य के प्रकाश से, सॉरी डरना नहीं, प्यार होना, लव फॉर सूर्य के प्रकाश से प्यार होना। फिर आपको एक वर्ड मिलेगा प्लूटोफिलिया। प्लूटो का मतलब लव, धन होता है पैसा। प्लूटोफिलिया होता है लव फॉर मनी, लव फॉर मनी, पैसे से प्यार होना, लव फॉर मनी, प्लूटोफिलिया। फिर एक वर्ड मिलेगा आपको पायरोमैनिया। पायरोमैनिया, मैनिया फॉर सेटिंग फायर्स, आग लगाने का पागलपन, सेटिंग फायर, मैनिया फॉर सेटिंग फायर, आग लगाने का पागलपन बहुत से लोगों के अंदर होता है। ध्यान रखो, पता तुमने घर में 5,000 रुपये मांगे, पापा ने नहीं दिए, मम्मी से तुम कह रहे हो कि अगर हमें 5,000 रुपये नहीं लिए तो हम पूरे घर में आग लगा देंगे। तुम्हें पता नहीं था पापा पीछे बैठे थे, उन्होंने एक फटका मारा, खड़ंजे के ऊपर गिरे, आके आग बुझ गई। पायरोमैनिया, मैनिया फॉर सेटिंग फायर। फिर आपको एक वर्ड मिलेगा सीटोफोबिया। सीटोफोबिया, सीटोफोबिया फियर जो है, फोबिया या फियर ऑफ ईटिंग, फियर ऑफ ईटिंग, खाने से डर। सीटोफोबिया होता है खाने से डर होना। सीटोफोबिया का मतलब होता है खाने से डर होना। सीटोफोबिया का मतलब होता है खाने से डर होना। सीटोफोबिया खाने से, जिसे बहुत ज़्यादा डर होता है, खाना नहीं खाता है, पता खाना खा लिया, बाथरूम में मुस्कुरा बैठे बैठे, मोशन लूज हो गए धीरे धीरे, सीटोफोबिया, खाने से डर। फिर आपको एक वर्ड मिलेगा टॉक्सिकोफोबिया। टॉक्सिकोफोबिया का मतलब होता है जहर से डर, पॉइजन, कौन सा जहर खतरनाक होता है, टॉक्सिकोफोबिया, जहर से डर, पॉइजन से डरना, टॉक्सिकोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड मिलेगा आपको जूफोबिया। जूफोबिया, जूफोबिया होता है एनिमल्स, जूजू से डरना, जूफोबिया होता है एनिमल्स, जानवरों से डरना, जूजू से डरना, जूफोबिया कहलाता है। तो आज आपको मॉक टेस्ट जो सेकेंड था, इसमें हमने थोड़ा वोकैब ऐड किया है, वो भी फोबिया, मैनिया और फिलिया के। तो आज आप हमने अपना देखिएगा इसमें कैसा लगा आपको, और कमेंट जरूर करिएगा। आज के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।